अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिस अपडेट का स्टूडेंट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। यानी कि जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हमारे हैं, उनकी यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन जेके बोपी ने रिलीज़ कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी कर दी गई है जेके बोपी की तरफ से, उसको मैं आपको समझाऊंगा, कौन कौन सा कोर्स है, कब से फॉर्म फिलअप करना है, फी कितनी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं जेके बोपी का जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की एडमिशन नोटिफिकेशन 2023 सेशन की आ चुकी है, उसको यहां पे हम समझेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी एडमिशन नोटिफिकेशन, इनवाइटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज एक्सक्लूडिंग जेएनएम लेटरल एंट्री। यानी कि जेएनएम लेटरल एंट्री कोर्सेज के बगैर जितने भी हमारे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनका यहां पे जो है एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 26 अप्रैल 2023 यहाँ पे है। इसमें यहाँ पे आप नीचे आके हम थोड़ा सा देख लेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके हैं वो आपको 4 मई से यहाँ पे लगना शुरू हो जाएंगे और 24 मई तक यहाँ पे आपको लास्ट डेट रहने वाली है। आप सभी को पता है कि 3 मई जो है वो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स की लास्ट डेट रहने वाली है। इस बार इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस को जो है बहुत तेज़ इन्होंने किया, हालांकि हमें लग रहा था कि मई के एंड वीक तक आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं हुआ। मई के पहले वीक में ही इन्होंने यहाँ पे पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे निकाले हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आप 4 मई से आपके फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे, 24 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म जब आप अपना सबमिट करोगे, उसके लिए आपको 1000 फी पे करनी पड़ेगी। फॉर्म जो होगा आपका, वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ सिलेबस वगैरह जो कुछ भी होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। हालांकि ये एंट्रेंस उसका लेते नहीं है, ये मार्क्स बेस ही इसकी सिलेक्शन करते हैं, लेकिन आगे चल के हम आपको बता देंगे फिर किसी वीडियो में, इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे हम, एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। फिलहाल यहां पे आप देख लीजिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका होगा वो आपको ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑफलाइन आपको कहीं पर भी फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो लिंक जो ही एक्टिवेट हो जाएगी उस दिन, मैं आपको वीडियो डालूंगा और वीडियो डाल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर समझा दूंगा कैसे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद यहां पे आप देख लीजिए, इसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अगर आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपकी लगेगी और रिजर्वेड कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी। इसमें देखिए क्या है कि जो कैंडिडेट अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे कैंडिडेट्स इन कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं है तो आगे चल के आपको रिजल्ट जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको लगने वाला। तो कोर्सेज का यहाँ पे अगर आप देख लोगे, डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे हैं, इसमें यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट है, फार्मेसी असिस्टेंट है, लेब असिस्टेंट है, डेंटल असिस्टेंट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, एक्सरे असिस्टेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, आईएसएम टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी डिप्लोमा है और उसके साथ साथ डी फार्मेसी यहाँ पे। इन सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे एडमिशन की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और उसके साथ साथ यहाँ पे जीएनएम कोर्सेज की भी एडमिशन नोटिफिकेशन है और उसके साथ साथ एएनएम कोर्सेज का भी यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आपका है। उसके साथ साथ मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जो स्किमस हो रहा है हमारा है, उसका भी यहाँ पे आपका हो जाएगा। इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी अगर मैं आपको समझाऊँ, वो फिलहाल मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अच्छी तरह से मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए, जो पैरामेडिकल डिप्लोमा है इसमें आपका पीसीबी होना चाहिए, तब जाके आप पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में जा सकते हैं। और जीएनएम जो हमारा है, इसमें अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या आर्ट्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे इसमें जा सकते हैं। मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स वाले कैंडिडेट जो जीएनएम में जा सकते हैं, सेम यहाँ पे एएनएम में भी होता है और इसमें अगर आपका एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू है वो भी यहाँ पे आपका चल जाएगा। तो यही एडमिशन नोटिफिकेशन जो जेके बोपी की तरफ से जारी कर दी गई थी 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के रिगार्डिंग। इस नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आने वाली वीडियो में शाम तक अपलोड करके आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे 10th बेस डिप्लोमा की भी नोटिफिकेशन आई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड करूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा। फिलहाल का जो अपडेट था वो बहुत बड़ा अपडेट था जेके बोपी की तरफ से, जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज है उनकी जो एडमिशन नोटिफिकेशन आई थी, जो मैंने आपको समझा दी। कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप 4 मई तक वेट कीजिए, 4 मई को लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, हम आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर वगैरह सब कुछ उस टाइम ही समझा